हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों 2024 में आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना जरूरी बन चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट यार हमारी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेजेस का मतलब है यार, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस की जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन हम वेब पेज में स्टोर करते हैं, ताकि जो भी आपका क्लाइंट है उसको क्लियर रहे कि आपका जो बिजनेस है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। अब बात कर रहे थे यार कि क्यों 2024 में आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुका है। फर्स्टली हम बात कर लें तो वेबसाइट यार आपके बिजनेस को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी डोमेन में अपना बिजनेस को रन कर रहे हो एंड अभी तक आप उस बिजनेस को ऑफलाइन ही रन कर रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है यार एक छोटे से एरिया में आप कवर कर रहे हो अपने बिजनेस को, वहीं आप अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बना ले, आपकी वेबसाइट यार ग्लोबली आपको रिप्रेजेंट करेगी एंड 24/7 आपकी जो वेबसाइट है कोई भी क्लाइंट कहीं से भी आपके बिजनेस को देख सकता है एंड आपकी सर्विस ले सकता है। सो फर्स्ट तो यार हमारा ये पॉइंट हो गया कि वेबसाइट से आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती है। सो सेकंड जो हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच यार अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आपके बिजनेस को कोई भी कहीं से भी देख सकता है नॉर्मल गूगल करके एंड वहां से आपकी सर्विस को ले सकता है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा जाता है आपके मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। वेबसाइट से यार आपकी ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड मार्केटिंग होती है थ्रू वेबसाइट। तो ये तीन चार पॉइंट है यार जो कि हमें हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए वेबसाइट के थ्रू। सो वेबसाइट बनाने के लिए यार यहाँ पे हमें जो फर्स्ट नीड पड़ती है वो पड़ती है डोमेन नेम की। डोमेन नेम हम किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, होस्टिंगर, गोडैडी, होस्टगेटर, कहीं से भी एक चीप प्राइस में हमें 500 से 1000 का एक डोमेन नेम मिल जाता है। एंड देन उसके बाद बात आती है यार उसकी होस्टिंग की, कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे, कोई भी डिजाइन हम फाइनल करेंगे तो उसको कहाँ पे स्टोर करना है, वो भी यार हमें वहीं से मिल जाएगा। होस्टिंगर या गोडैडी हमें होस्टिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड जो स्टेप रहता है वो रहता है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का। वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट भी हमारी 5000 से स्टार्ट हो जाती है एंड डिपेंड करता है यार कितनी बड़ी आपकी वेबसाइट है, कितने आपके प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से यार उसकी जो कॉस्ट है वो डिफाइन की जाती है। सो अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो या SEO करवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।